हर बार ऐसे तमाशा बना के चले जाओगे औरतों का, हर बार उन्हें ऐसी चोट पहुंचाओगे, बच्चे निकलोगे ऐसे ही। नहीं अशोक खुराना, आज नहीं, आज तुम्हारे हर वार का मैं पलटवार करूंगी, तुम्हारे हर इल्जाम पे मैं इल्जाम लगाऊंगी। किसी को छोड़ते नहीं हो ना तुम अशोक खुराना? हाँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पति पत्नी के रिश्ते को समझते हो तुम? जानते हो क्या होता है ये रिश्ता? ये सिर्फ एक जिस्मानी रिश्ता नहीं होता है, ये रिश्ता बनता है प्यार से, विश्वास से। एक औरत अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है इस विश्वास के भरोसे पे, वो भरोसा इसके नाम का वो सिंदूर लगाती है, वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा लेकिन अपने पत्नी के चरित्र पे आंच नहीं आने देगा, उसकी हर कमजोरी हर राज को अपने मन में रखेगा पर किसी के सामने उसकी डिग्निटी कम नहीं होने देगा। तुमने क्या किया, क्या किया तुमने? अपनी पत्नी की मर्यादा, उसके मान की धज्जियां उड़ा दी, सबके सामने उसकी जिंदगी के सबसे कमजोर पलों को ढेर के रख दिया। उस बिचारी ने जिस राज को अपने मन के तहों में, अपने दिल की तहों में 100 पर्दों के बीच छिपा के रखा था, उसे सबके सामने खोल के बिखेर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि कितना यकीन, कितना विश्वास, कितना टूट के चाहा होगा उसने तुम्हें, तब जाके तुमने अपना राजदार बनाया। और तुमने क्या किया उसके विश्वास, उसके प्यार, उसके चाहत का? तोड़ दिया, ताक ताक कर दिया। कमाल किया तुमने, शुक्र कमाल, कमाल। पहले भी कर चुके हो ना तुम ऐसा अशोक खुराना, तुम्हारे इस घिनौने और घटिया रूप को पहले भी सब लोग देख चुके हैं। याद है तुम्हें कोर्ट में, पुराना तरीका है ना तुम्हारा ये, जब किसी औरत से जीत नहीं पाते हो ना तो उसके चरित्र पे लांछन लगा देते हो, उसके कैरेक्टर पे अटैक कर देते हो ताकि वो टूट जाए, बिखर जाए, शर्मिंदा हो जाए। जो तो ऐसा लगता था तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसे हो, पर आज पता चला कि मीता के साथ भी ऐसे हो। और मीता के साथ क्या, बबीता के साथ क्या, तुम तो हर औरत के साथ ऐसे हो अशोक खुराना, भले ही वो तुम्हारी माँ हो, बहन हो या फिर बेटी क्यों ना हो, तुम वैसे के वैसे ही हो। एक निहायत ही सेल्फिश, कमजोर और छोटे दिल के इगोइस्टिक मर्द, बस यही हो तुम, यही पहचान है तुम्हारी, यही औकात है तुम्हारी, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरा तमाशा बना रहे थे या तुमने मीता का तमाशा बनाया? नहीं, तुम खुद का तमाशा बनाते हो अशोक खुराना, खुद का। तुम खुद ही वो बंदर हो जो नाचते हो और तुम खुद ही वो मदारी हो जो डुगडुगी बजाते हो। पर कमाल की बात पता है क्या है, अब तुम्हारे इस तमाशे पे अब भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, कोई ताली नहीं बजाता है, क्योंकि औरतों के चरित्र पे लांछन लगा के उन्हें शर्मिंदा करने का तुम्हारा ये घटिया तरीका पुराना हो चुका है। भूलो मत अशोक खुराना, ये 21वीं सदी है, 21st century। यहां पे तुम औरतों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, अगर इसी तरह की वाहियात हरकतें करते रहे ना तो तुम्हारा बॉयकॉट जरूर हो जाएगा। बाकी वी डोंट केयर।
इसलिए फिर मैं मना कर देती हूँ। हनुमान अंकल को बोल देती हूँ, उनके लिए मीता के लिए कोई होटल अरेंज कर दे, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ फिर मना करने, ठीक है? अच्छा एक मिनट रुक जा, कहाँ जाएगी बिचारी वो, और ऐसे प्रेगनेंसी की हालत में होटल के रूम में अकेले रुकना भी तो ठीक नहीं होगा ना। चल एक रात की बात है, रोक ले। स्यापे मचाने की तो जैसे भाई सब की आदत हो गई है सुखी जी, आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। भाई सब ने ना फिर अपने रंग दिखा दिए, वही किया जो कोर्ट में बबीता भाभी के साथ करा था। मीता भाभी क्या करती बेचारी, चली गई। लेकिन कहाँ चली गई? पता नहीं, सूटकेस में कपड़े डाले, बीजी पापा जी के पैर छुए, किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप चली गई मिनी और बबीता भाभी के साथ। हो सकता है वो उनके साथ हो या कहीं लंदन ना चली गई हो। मीता जी प्रेग्नेंट है, आप में से किसी ने रोका नहीं उन्हें? रोकते भी तो किस मुंह से? अशोक की इस हरकत के बाद किस रिश्ते की दुहाई देते उसे? कोस लो, खूब कोस लो अशोक को पापा जी, और किसी की गलती तो आपको नजर ही नहीं आती, सब परफेक्ट है ना? पहले बबीता का साथ देते थे, अब मीता का साथ दे लो। वाह, मेरे अपने ही घर वाले मेरी नहीं है तो मैं किसी और की क्या बात सुनूंगा। आपने हम में से आज तक किसी को अपना समझा भी है? अगर समझा होता ना भाई साहब तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक रिश्ता तो आपसे आज तक निभाया नहीं गया। तू लवली, तू मुझे रिश्ते सिखाएगी? तूने कौन सा रिश्ता निभाया ये बता। सालों से अपने ससुराल से लड़ाई करके मैके में बैठी है, तेरे कारण वो सुखी है ना सुखी, वो भी अपनी फैमिली से दूर है, तेरे कारण ताने सुनने पड़ते उसको घर जमाई होने के, समझी? अशोक भाई साहब, अब आप ये गलत बात कर रहे हैं। मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे घर जमाई कहे या कुछ भी, मेरे लिए लवली की खुशी मायने रखती है, and that's it। भाई आपको क्यों तकलीफ होगी सुखी जी, घर समाई बनके आपकी तो ऐसी ऐसे ना, काम करने की कोई टेंशन ना, पैसे कमाने की कोई मजबूरी। अशोक तमीज से पेशा। ये तमीजी है मेरी बीजी जो मैंने इनको आज तक कुछ नहीं कहा, वरना आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से इन लोगों के खर्चे इतने बढ़ गए थे कि मेरे को भाई लंदन में रह के कमाई करनी पड़ी, अकेला रहा मैं वहां पर बिना अपनी बीवी के, इन लोगों की वजह से मेरा और बबीता का डाइवोर्स हुआ है। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, आपको लंदन ना काम करने भेजा गया था, ना कि रंगरलिया मनाने, तो बेकार में ना भाई साहब आप अपने दोष हम पे ना मढ़े। मैं दोष मढ़ रहा हूँ? वाह लवली, बचपन से लेके आज तक गोद में बिठा के रखा भाई ने, एहसान मानने की जगह ताने दे रही है तू। तूने क्या किया आज तक है? बोलना तूने क्या किया आज तक है? औरों की छोड़, ये सुखी गुलाम बना के रखा तूने इसको आज तक, और क्या दिया उसके बदले में? आज तक उसको औलाद तक तो देनी पड़ी। अशोक भाई साहब, दिस इज इनफ नाउ। एक मिनट अशोक, तू मेरी बेटी और दामाद के बारे में बोल रहा है, जरा संभाल के। अगर इतना ही महान है ना आपका दामाद तो क्यों पड़ा हमारे टुकड़ों पे हैं? क्यों पड़ा इस घर में, चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? चले जाएंगे अशोक भाई साहब, अब एक पल नहीं रुकेंगे यहाँ, अपना सामान बांधो चलो यहाँ से। लेकिन सुखी जी जाएंगे कब? दुनिया बहुत बड़ी है ना बीजी, कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे, पर अब यहां नहीं रुकेंगे, और मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी साथ चलो हमारे। पापा जी, बीजी, इतने सालों में अगर आपने सच में मुझे अपना बेटा माना है तो मना मत कीजिएगा, मेरे साथ चलिए आप दोनों, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आप दोनों इस घर में नहीं रह सकेंगे। लवली, अभी भी मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या मिनी को हर्ट करूं। आई स्वेयर, आई अंडरस्टैंड कि मैं
चाहे कुछ भी बोलूं, कहीं ना कहीं मैंने हर्ट किया है तुम्हें, और अभी मैं जो भी बोलूं doesn't matter, but still. वो तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैंने क्या सोचा है. एक्चुअली थोड़ा टाइम लेके सोचना चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या करना सही होगा, फिर से मैं दोबारा अपनी लाइफ में कोई फैसला जल्दबाजी में ना लूँ. बिकॉज आफ्टर ऑल मैं जो भी फैसला लूँगी उसमें मुझे मेरे आने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचना है ना कि उसके लिए क्या सही होगा क्या नहीं. बबीता, हाँ, बाबा का मैसेज है, टिकट्स आ गई है मेरी, चंडीगढ़ जाऊंगी और वहां से दिल्ली एंड देन दिल्ली से बैक टू लंदन. कल मॉर्निंग में निकल जाऊंगी मैं. कल सुबह? इतनी जल्दी? हाँ, तुम चाहो तो थोड़े दिन और रुक सकती हो हमारे साथ यहाँ पे. तुमने इतना भी जो मेरे लिए किया, मेरे लिए भी इतना सपोर्ट किया, मीन्स अ लॉट टू मी. इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती? क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी बबीता? मुझे नहीं पता मीता. तुम्हारी बेल होगी शोक खुराना, आओ. किसने कराई बेल? खुद ही चलकर देख लो. अशोक साहब, अशोक साहब, वो क्या हाल कर रखा है आपने अपना? ये वो बिल्कुल देवदास लग रहे हो जी, हैं? हनुमान सिंह जी, वो बंदा अपनी घरवाली के लिए इमोशनल हो गया और आपने जी इनको जेल में ही डाल दिया, हैं? जेल ना, ईब तो ये हवाला तुम ही था. एक ही बात है ना जी, हैं? वैसे भी ना सलाखों के पीछे वो आदमी अपना होशो हवास खो बैठता है. वो मैं तो जी भुक्त भोगी हूँ, हैं? अपने पराए वो सब साथ छोड़ जाते हैं. अशोक साहब, वो आपके तो अपने माँ बाप ने ना आपकी बेल कराने से मना कर दिया, पर वो आपका जिगरी दोस्त है, आपका कतरी, अब दोस्ती दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा बताओ? तो आप भी ना कहाँ पंगे लेते फिरते हो, हैं? अच्छा जी, चलते हैं. आओ ना, चलो. खत्री, भाई मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर तो तूने पढ़ ही लिया होगा, इसने इसी कंडीशन पे बेल मिली है कि रोज थाने आके ही हाजिरी लगाएगा. अशोक साहब, तो कितना गुस्सा करते हो जी, कंट्रोल किया करो. आएंगे जी, हाजिरी करने जी, रोज आएंगे. और कोई सेवा? सेवा है ना, रोज इसने यहाँ थाने में लेकर आएगा हाजिरी लगवाने. और जो तू ना लाया तो फिर हम तेरी सेवा करेंगे. भाई तूने गारंटी ली है ना तेरे यार की? ये तो कुदरत का नियम है जी, एक दिन आप सेवा करो दूसरे दिन हम सेवा करेंगे, सेवा भाव बना रहना चाहिए. जय माता दी. चलो चल. सर साहब, आजकल इन दोनों में बहुत ज्यादा चल रही है कि नहीं? बड़े मैं भाई कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ एकदम से. क्या? मैं समझ नहीं पाता कि भाई दोनों में से ज्यादा लीचड़ कौन, अशोक या फिर खतरी. कंपटीशन बहुत हार्ड है जी. जब वो लड़ना छोड़ देता है उससे पहले नहीं.
ओके बस अब ये सारी सेंटी बातें छोड़ो यार। एंड बेब्स आ जाए इधर। सब एक एक ग्लास उठाओ। ओके एंड थ्री चीयर्स फॉर वुमेन पावर। हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे एंड चीयर्स। बॉटम्स अप करने ओके वन टू थ्री गो। अरे अशोक साहब वो बॉटम सब करो यार, वो बहुत धीरे धीरे पीते हो आप। ज्यादा पियो ना ये जो तो अशोक साहब है वो अभी से हार मान ली, वो अभी तो मैंने और मंगा के रखी है। बोलो जी आ गया मैं लेके आता हूँ। ला भाई ₹1200 छुट्टा छुट्टे तो होंगे नहीं तेरे पास है ना साहब? तो क्या सारे छुट्टे यहीं देगा? आगे तेरे और कस्टमर नहीं है क्या? आता हूँ। अशोक साहब वो छुट्टे होंगे आपके पास, वो क्या है ना मेरे पास ही 2000 का नोट है। आला यार कदर भाई ले भाई ये 1500 ये दूजा 500 और ये ना 200 का हो गए तेरे 1200। लो जी गिन लो। कदरी तू यारों को शर्मिंदा करेगा भी यार, पैसे के रूप में यार। ओ आप बड़े बड़े कांड करके शर्मिंदा नहीं हुए, हम आपको क्या शर्मिंदा करेंगे। तो क्या कह रहा भाई? वो कुछ नहीं जी है? मैं तो ये कह रहा था जी आप ना जी वो इतना देवता किस्म के आदमी हो ना, पर मैं आपसे एक बात कहूं, दुनिया में ना कभी किसी पे भरोसा मत करना जी। मैं तो आपसे ही कहता हूं जी कभी ना स्त्री पे भी भरोसा मत करना आप। अरे तू मेरा भाई है, तेरे को पता है मेरा कोई नहीं है, माँ बाप बहन बहनोई बीवी अब कोई नहीं है, सब धोखा दे के चले गए, अकेला रह गया अशोक खुराना। देखो जी अब माता रानी ना देखो झूठ ना बुलाए जी हैं, अब आपकी ना जी हालात देख के ना ऐसे 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 जी कलेजा मुंह को आता है मेरा। वैसे बस जी मैं क्या सोच रहा था, आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगे जी? अबे खदरी तू मेरे साथ रहे यहाँ पर। ना, 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 ना जी अशोक साहब अदरवाइज मत करो, पर पटियाले में लोग क्या कहेंगे? देखो खत्री ना वो चाहे दिन में वो जहाँ चाहे मुंह मार दे, पर रात को ना अपने घर ही जाता है सीधा। छोटा सा आदमी हूँ जी, छोटी छोटी सी आदतें हैं मेरी। तेरी किस्मत अच्छी है खत्री, तेरे पास कमरा है, तेरे पास बीवी है, बाप रे पास कुछ भी नहीं है। तो जी मट्टी पाओ, पर मैं ना आपको किराए देता हूँ जी। आप एक काम क्यों नहीं करते, ये घर को ना आप बेच दो, अपना जी प्रॉपर्टी का काम है ही है, आपको एक से एक डील दिलवाएगा, पर फिर जो पैसा आएगा जी हम दोनों भाई अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे है? मैं ना ये घर बेच देता बट इट्स नॉट पॉसिबल यार। अबे कोलैटरल रख के इस घर को तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब वो बिजनेस तो चला नहीं, किस्तें कहां से दूंगा? रोज बैंक वालों का सालों का फोन आता है। ज्यादा दिन नहीं है घर, मैं तेरे घर में रहूंगा खदरी। अशोक साहब हाँ वो बताया नहीं आपने घर बिका हुआ है आपका है तो अदरवाइज बताते ना अशोक साहब, पर आप ना बर्बाद हो गए फुल, और ना आपकी बर्बादी आपको मुबारक है। खत्री चलता है जय माता दी। अबे खत्री वह बड़ा कमीना है वे, जा जा भाड़ में जा साले, जब अपनों ने साथ नहीं दिया तू क्या साथ देगा साले ब्लडी अपॉर्चुनिस्ट। उस जनानी से ना बात करना बेकार है। वो अब इधर उधर देख के क्या बुड़बुड़ कर रहे हो खत्री जी हैं? वो कह दो ना कि तेरी बात सुनाई नहीं दे रही,
जैसे अपने दोस्त का फोन काटा था ना, मेरी बात भी काट दो। अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। देखो वो मैं ना पहले से बहुत परेशान हूँ, वो इतनी मेहनत करके वो बल्ली की दुकान लेके पटियाला बीबी का ढाबा खोला था, सोचा था कुछ मुनाफा कमाऊंगा, पर उसका भी ना लीज का प्रॉब्लम आ गया। वो कैसा लीज का प्रॉब्लम खत्री जी? मैंने मोहल्ला कमेटी के सारे कागज लाके चेक कर लिए हैं। अरे कमीनों ने दबा के रखे थे, और वो मरा खत्री, उसने तो बल्ली से पैसे लेकर ये बात भी सबसे छुपाई कि वो बल्ली के बाप दादाओं ने वो जो दी थी ना दुकान हलवाई वाली, हाँ उसकी 99 साल की लीज खत्म हो चुकी है। मतलब ये है कि चोरी, देख गवर्नमेंट जो है ना वो एक्चुअली अपनी किसी चीज को ऐसे बेचती थोड़ी है, वो उसको लीज पे दे देती है। जैसे कि भाई 100 में कम 99 साल के 99 इयर्स के लिए लीज पे दे दी है ना। अब क्या है कि ये बल्ली का जो है कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट पूरा हो गया खत्म, अब या तो वो उसको रिन्यू करवाए वापस, समझ रही हमारी बात, या फिर मार्केट रेट जो उसकी प्रेजेंट चल रही हो उस हिसाब से कोई भी आदमी उसको लेने को तैयार हो जाए तो वो ले ले उसको। फिर क्या बात कर रहे हो, कोई भी, मतलब हम भी खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन तू क्या करेगी भाई दुकान खरीद के? अरे वो है ना उधर पटियाला बीबी, याद नहीं तुझे बेब्स, कैसे अकड़ से खत्री ने वो बोर्ड हमारे ऊपर सामने लगाया था। बेब्स यार तू नहीं चाहती कि पटियाला बीबी का बोर्ड नीचे आ जाए और पटियाला बेब्स का बोर्ड ऊपर जाए? सिर्फ उस बोर्ड पे नहीं, मैं चाहती हूँ कि पटियाला बेब्स का नाम और भी बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे होर्डिंग पे लगे। मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे शहर में लोग सिर्फ पटियाला बेब्स के बारे में बातें करें। तू जानती है ना मिनी, ये सिर्फ मेरे लिए कॉम्पिटिशन नहीं है बल्कि एक जंग है, और जंग में सिर्फ दो नतीजे होते हैं, जीत या हार। जीत और हार तो खेल में होती है, पर यहां पे मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूं, जंग लड़ रही हूं, जंग अपना हक पाने की, अपना आसमान अपने मुट्ठी में पाने की। पटियाला बेब सिर्फ एक बिजनेस नहीं है बल्कि मेरा आत्मसम्मान है, गुरूर है, और ना तो मैं इसे झुकने दूंगी ना मरने दूंगी। वो दुकान तो हम लीज पे जरूर लेंगे मिनी, मैं इस बोर्ड पे देखना चाहती हूँ पटियाला बेब्स का नाम। और पैसे, इतने पैसे कहां से आएंगे? मिनी कहती है ना जहां चाह है वहां राह है, चाह तो मैंने दिखा दी, अब बस रास्ता ढूंढना है हमें। अरे वो मीता कह के गई थी ना, तुझे याद है ना मिनी, हमारे पास मिलियन व्यूज हैं तो हम स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं और फिर अपने ब्लॉग पे बेस्ट से बेस्ट डील क्रैक कर सकते हैं, क्या बोलती है मिनी? हाँ यार बेब्स, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एंड नहीं यार, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो हमें पता तो है कि हमें स्पॉन्सर्स चाहिए, लेकिन पता नहीं कि उन्हें अप्रोच कैसे करना, उनसे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। हम सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पूरी तरह से जानकारी नहीं है। अरे सॉरी, देखो आज के युग के अंदर भाई इम्पॉसिबल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना, समझ रहे हो आप, कि आप ऐसे ठक करके से बटन दबाओ और यूं करके आ जाती इन्फॉर्मेशन सीधे। भाई तेरा इंटरनेट कब काम आएगा चोरी, निरवाले का, उसमें सर्च कर तू। यस यस, एक मिनट। हाउ टू बी सक्सेसफुल, मिल गया। ओके तो सुनो सब लोग, ओके, फर्स्ट स्टेप फोकस, सेकंड स्ट्रेटजी, और थर्ड एग्जीक्यूशन। मतलब For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.